अमेजोन का रहस्यमय जंगल। इसमें कोई आता तो है पर जाता नहीं। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए यहाँ पर तीन दोस्त आते हैं और देखिए उनके साथ क्या होता है। हरी, मुझे लगता है हम इस घने जंगल में आ तो गए हैं लेकिन इस जंगल से निकल नहीं पाएंगे। अब तो आ गए मार्को, देखा जाएगा जो होगा। मार्को, मैंने सुना आज तक इस जंगल में जोन भी आया लौट के वापस नहीं गया। तो आ गए तुम लोग। कौन है? कौन है? कौन है? कौन हो तुम? मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर जो तुम्हें बाहर जाना है तो मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। ठीक है, पूछो अपनी पहेलियाँ। हम भी इस जंगल के रहस्यों को सुलझाने आए हैं। तो ठीक है, तो पूछो अपनी पहेलिए। वह क्या चीज है जो दिन में सोती है और रात को रोती है? पीटर, मार्को, पहेली तो मिल गई, अभी जंगल का रहस्य सुलझाते हैं। चलो हैरी, उस चलो हैरी चलते हैं। चलो मार्को, रात होने वाली है, हमें अब लगता है यही रहने का ठिकाना बनाना पड़ेगा। हाँ हैरी, सुबह चलेंगे इधर से। ठीक है। हरी, उठो हरी, उठो। देखो इधर से अजीबोगरीब आवाज आ रही है। इसका मतलब हमारे अलावा भी इस जंगल में कोई है। आवाज आ रही है। चल 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 चल, खड़ो खड़ो चल चल चल। ये किधर गए? यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर आवाज तो साइड से आ रही थी। पीटर भी वहां पर अकेला है। तूने सही कहा, चल वापिस चल रहा जा। चलो पीटर, कहाँ है? पीटर, 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 एक काम करते हैं मार्को, पीटर को ढूंढने चलते हैं। इधर मेरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। लगता पीटर पे किसी ने हमला किया होगा। हाँ, शायद उसी ने हमें पागल बनाया होगा आवाज निकाल के, ताकि वो पीटर को लेके जा सके। हाँ देख, उधर घसीटने के निशान भी हैं। चल चल, निशानों का पीछा करते हैं। ये रहे वो निशान। जरूर पीटर को यहाँ से घसीट कर ले जाया गया होगा। तुमने सही कहा, इन निशानों का पीछा करते हैं। चलो
चलो। पीटर, 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 पीटर। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मजबूरन में तुझे खाना पड़ेगा। रुको, इसे मत मारो हैरी, ये भी हमारी तरह एक इंसान है। पर इसने पीटर को मारने क्यों कोशिश की? चलो छोड़ो। मेरा नाम डेविड है, मैं भी तुम लोगों की तरह इस जंगल में आया था। मुझसे भी एक पहेली पूछी गई थी और मुझे आज यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं, पर मैं उसका अब तक उत्तर नहीं ढूंढ पाया। तो क्या है तुम्हारी पहेली, जरा हमें भी बताओ। वह कौन सी चीज है जो फटने के बाद आवाज नहीं देती? अरे तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता? इतना आसान उत्तर तो था इसका, वैसे ही तुम 30 साल यहाँ पे बरान हुए। इसका उत्तर तो दूध है, क्योंकि दूध फटने के बाद कभी आवाज नहीं करता। ये कहाँ गया? कहाँ गया? जरूर हमने इसकी पहेली का जवाब दे दिया, इसलिए इस जंगल से मुक्त हो गया है। हम भी शायद इस जंगल से मुक्त हो जाएंगे जब हम अपनी पहेली का जवाब दे देंगे। ये क्या है? मोमबत्ती? इसका जवाब तो तुमने ढूंढ लिया, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अगली पहेली तुम्हें जल्द ही मिलेगी। ये क्या है? अगली पहेली? ऐसी कौन सी चीज है जो जागे रहने पर ऊपर रहती है और सो? इसमें तो आगे लिखा हुआ नहीं है।